महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया गया कि सास के कहने पर पत्नी के घर छोड़कर जाने से नाराज दामाद ने सास को फंसाने के लिए खुद के अपहरण की साजिश रची और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। कोलसेवाड़ी पुलिस ने जांच के बाद अपहरण का साजिश रचने वाले दामाद संदीप गायकवाड़ और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कल्याण पूर्व के 30 गांव में रहने वाले संदीप गायकवाड़ की 2 पत्नियां हैं। संदीप की दूसरी पत्नी घर छोड़कर चली गई, जिससे वह काफी टेंशन में रहने लगा था। इसी बीच संदीप के अपहरण होने की खबर आई। कोलसेवाड़ी थाना इंचार्ज महेंद्र देशमुख के निर्देशन में एपीआई हरिदास बोचरे और दिनकर पगारे की टीम ने मामले की जांच शुरू की। शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। जांच में पता चला कि यह संदीप की सोची समझी साजिश थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार संदीप की दूसरी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। दूसरी पत्नी की मां यानी कि संदीप की सास के कहने पर घर छोड़कर चली गई। इस बात से नाराज होकर संदीप ने अपनी सास यानी कि पत्नी की मां को सबक सिखाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रची। वहीं सच सामने आने पर पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन कोलसेवाड़ी में एक महिला आई थी, उनका नाम था सुनीता संदीप गायकवाड़। उन्होंने पुलिस को ऐसा बताया कि उनके जो पति है संदीप गायकवाड़, उनका 3 अजनबी लोगों ने अपहरण किया है। ऐसे उन्होंने मालूम देने के बाद पुलिस ने CR नंबर 547/2022 अंडर सेक्शन 367 के तहत दाखिल कर दिया और ये गुनी की इन्वेस्टिगेशन चालू की।